जिले में कुछ दिन धीमे रहे कोरोना के ग्राफ में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जावद के साथ अब शहर में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। शहर में अब नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनने लगे हैं, जिससे शहर के नागरिक व अधिकारी भी चिंतित हैं। रविवार रात्रि में शहर में एक बार फिर कोरोना की दस्तक हुई है, जहां शहर के टीचर कॉलोनी में दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रात्रि में टीचर कॉलोनी में पति पत्नी के पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन को दूसरी बार टीचर कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा है। देर रात्रि में एसडीएम एसएल शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे व खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को नया कंटेनमेंट जोन बनवाया। आपको बता दें कि प्रशासन ने पूर्व में भी इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया था। खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र को दोबारा नया कंटेनमेंट बनाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में दो नए पॉजिटिव मिलने के बाद जो राजस्थान से आए थे उसके बाद कंटेनमेंट बना है। अधिकारी ने कहा कि यह क्षेत्र अब प्रशासन की निगरानी में रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि टीचर कॉलोनी में मिले दोनों नए मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है। अभी दो व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं जो कहीं बाहर से आए थे, और अभी इसमें तीन घरों को जो है कंटेन किया गया है इसके अंदर, और टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 16 है लगभग, जिसमें किराएदार मकान मालिक वगैरह भी हैं। और ये कॉर्नर के मकान में जो लोग दो लोग रहते थे उनको जांच के लिए भी खाली चले गए हैं जो जांच के बाद में। तो इस तरीके से 16 सदस्यों का एक छोटा कंटेनमेंट अभी बनाया गया है, और कल से इनकी जितनी भी आपूर्ति और सप्लाईज वगैरह रहेंगी उसका पूरा ध्यान रख के अभी शिक्षक कॉलोनी का कंटेनमेंट है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो शायद से राजस्थान या ग्वालियर बेल्ट से होते हुए कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे, उतना इसकी जानकारी रही है। आपको बता दें कि अब नीमच जिले में रविवार रात्रि में पॉजिटिव मिलने के बाद नीमच तहसील में शहर के टीचर कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, भोलाराम कंपाउंड और चीताखेड़ा में कंटेनमेंट क्षेत्र है।